निराला टीम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों सढौरा में एक ना एक विवाद सामने आता ही रहता है, गलियों को लेकर हो या फिर नालियों को लेकर। सुबह भी हमने एक वीडियो आपको दिखाया जिसमें कुछ लोग नगर पालिका दफ्तर में पहुंचे हुए थे अपनी एक गुहार लेकर कि किस तरह से उनकी गली में एक थड़ी बनी हुई है। उसी तरह का एक मामला मोहल्ला प्रेम नगर वार्ड नंबर 13 में सामने आया है, जहाँ पर वार्ड नंबर 13 की जो मेन गली है प्रेम नगर की, वहां पर एक घर के सामने बनी हुई थड़ी है जिसको आज कुछ मजदूर तोड़ने लगे तो उनकी घर वालों के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद मौके पर वार्ड नंबर 13 के पार्षद सरजीवन को आना पड़ा और उनके साथ साथ नगर पालिका चेयरपर्सन शालिनी शर्मा को भी यहाँ मौके पर पहुंचना पड़ा। और उन्होंने आकर यहाँ पर डायल 112 को बुलाया और उनकी देखरेख में दोबारा से कार्य को आरंभ कर दिया गया है। तो चलिए एक बार उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ विवाद है, किस तरह से ये विवाद उपजा है और किस तरह से इसे सुलझाया गया है। तो चलिए दोस्तों वार्ड नंबर 13 के जो पार्षद हैं सर जीवन जी, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ ये पूरा विवाद है। हेलो, नमस्कार। कल भी मैं आया था, इनको समझा कर गया था कि ये नाली बने, पानी निकलेगा इधर से। ये कल मान गए थे, आज इसने थोड़ा बहुत ड्रिंक पी हुई थी इसलिए बोलने लग गया। लेबर के साथ इसकी बदतमीजी हुई, लेबर का फोन गया तो हम आए यहाँ पे मौके पे, तो इससे पहले ये जा चुके थे यहाँ से, अंदर गायब हैं, उसके सामने हमारे सामने नहीं आए। उसके बाद वो शांत है, अब काम लग गया, सुचारू रूप से काम चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन ये भी बात पूरी तरह से अब सॉर्ट आउट हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी, शॉर्ट आउट हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काम सुचारू रूप से चल रहा है। धन्यवाद। ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिस नाले को लेकर ये पूरा विवाद है, तो अभी यहाँ पर मौके पर देख सकते हैं डायल 112 की गाड़ी पहुंची हुई है और उसके साथ साथ सढौरा नगर पालिका चेयरपर्सन शालिनी शर्मा भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो चलिए मैडम से बात करते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है जिस को लेकर आज उन्हें यहाँ पर मौके पर पहुंचना पड़ा। जी मैम, नमस्कार जी। निराला टीवी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार जो आप हमारे शहर की खबरें लोगों तक तो पहुंचाते हैं। तो क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आज आप यहाँ पर पहुंचे हो? वार्ड नंबर 13 का ये मामला है। यहाँ पे पहले पाइपलाइन थी और उसको निकलवा के यहाँ पे हम जो ओपन नालियाँ बनवा रहे थे, जिससे कि लोगों जो एक दो घर लोग थे जिन्हें विवाद था कि यहाँ पे ये ना तोड़ा जाए और नालियाँ ना बनवाई जाए, लेकिन हर कोई लोग खुश थे कि यहाँ पे नालियाँ बन रही है और पानी जो है सीधा जाएगा। नहीं तो यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा थी और बरसातों के दिनों में पानी जो है लोगों के घरों में चला जाता था। इसी विवाद को निपटाने के लिए हमने SHO साहब को फोन किया और उन्होंने तुरंत 112 नंबर की गाड़ी भिजवाई और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काम शुरू हो रहा है। जो भी शहर के विकास कार्य में बाधा बनेगा उसको इससे सबक मिलेगा कि ये काम ऐसे भी हो सकते हैं शहर के। वैसे क्या कुछ विवाद यहाँ पर हुआ होगा जिसको लेकर आपको यहाँ पर पहुंचना पड़ा, उसके बारे में कुछ जानकारी? यही है कि लेबर का फोन आया हमारे पास कि मैडम ये हमें अपशब्द बोल रहे हैं, कुछ जाति सूचक शब्द, आपको पता ही है कि क्या लोगों की मेंटलिटी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, स्वयं मैंने देखा, जायजा लिया और उसी समय मैंने SHO साहब को फोन किया और लोगों को, वो लोग जो हैं जो अब वो बाहर भी नहीं आ रहे जो कि विवादित थे, इसलिए अब हमने लेबर बुला के फटा जल्द से जल्द ये कार्य शुरू करवा दिया है और आप देखेंगे कि थोड़े समय में यहाँ पे जो है ये नालियाँ बन जाए। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रकार के विवाद लगातार शहर में देखने को मिल रहे हैं। सुबह भी हमने एक वीडियो कवर किया है जिसमें कुछ ऐसा ही मामला था। देखो शहर में कहीं भी काम होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग उसी काम से दुखी भी होते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिससे सारे लोग खुशी होंगे, अपोजिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ना। कोई किसी की सोच सकारात्मक है और किसी की नकारात्मक है। नकारात्मक लोगों को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उनको अपनी सोच बदलनी होगी और शहर के विकास कार्यों में अपना सहयोग देना होगा। तो आप देख रहे थे द निराला टीम, आपके साथ राशिद निराला, धन्यवाद।